हे ट्रैवलर्स, मधुर अगेन। एंड ये मैं ब्लॉग कर रहा हूँ होटल रमादा डीएमए, जो कि मक्कासन एरिया बैंकॉक में है। सो अगर आप बैंकॉक आ रहे हैं एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे इन दिस होटल, डू वॉच दिस एंड देन डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू स्टे इन दिस होटल और नॉट। सो आई टॉक अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ एंड आई लीव इट अप टू यू, एंड आई ऑल्सो टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड माई रिकमेंडेशन। So if I talk about positives in this hotel, the room sizes are good enough. We actually got to stay in two categories of room. One was honeymoon suite and second was a superior room. जो superior room है वहाँ पे एक extra bed भी है, connecting rooms भी हमें मिले हैं। पूरा experience मैंने के अंदर पूरे दोनों rooms का मैंने share किया हुआ है, आप इसको देखें, नहीं तो skip करके jump करके आप अगले section पे आ जाएं। An area for an extra bed. This one. And the layout is exactly the same. Here we have an extra bed, and rest everything remains the same. So the main reason we choose this hotel was the location of this hotel. ये है सुखमवित एरिया में, जो कि मेट्रो के बहुत पास है, जो बैंकॉक मेट्रो या MRT जो है यहाँ उसके बहुत पास है ये। एंड सब उसके बियॉन्ड यहाँ पे कम से कम 8 to 10 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। सो अगर आपको जैन फूड, प्योर वेज या इवन एनी अदर नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन किसी भी कैटेगरी का फूड खाना है, तो यहाँ पे लाइन से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पर पर्सन जो पर मील की कॉस्ट पड़ेगी वो आपको अराउंड 250 भात के आसपास रहेगी, विच इज़ एज गुड एज 600 रुपीज़ के आसपास, विच इज़ नॉट दैट ह्यूज कंसिडरिंग यू नो आप बाहर ट्रेवल कर रहे हैं। सेकेंड पॉजिटिव इज़ जितने भी बैंकॉक के किए अट्रैक्शंस हैं, लाइक सुखमवित रोड, नाना प्लाजा, महानखान, बैंकॉक रिवर, ये सारे 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हैं। जितने भी मॉल्स हैं वो भी आसपास हैं। एंड अगर आपने टैक्सी से जाना है या टुक टुक भी लेना है इंस्टेड ऑफ मेट्रो, देन ऑल्सो इट वॉन्ट कॉस्ट यू मोर देन 150 भात। नेगोशिएशन के ऊपर डेफिनेटली है, द ड्राइवर स्टार्ट्स फ्रॉम 200-300, बट आप नेगोशिएट करके 120 से 150 पे आ सकते हैं। सो दैट्स अनदर पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात करूँ तो ये बहुत इकोनॉमिकल ही पड़ा था मेरे को, लाइक 3,000 से 5,000 पर रूम पर नाइट का खर्चा है यहाँ पे, अगेन विच इज़ लाइक रवाडा विच कंसिडर टू बी अ 4-स्टार प्रॉपर्टी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इकोनॉमिकल है। बट अगर जैसे हम लोग मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आए थे यहाँ पे अराउंड 5:30, तो हमें यू नो कितना कॉस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ा अर्ली चेक इन के लिए, वो मैंने टुवर्ड्स एंड यू नो इसको कवर किया है। बट अगर मैं अब इसके नेगेटिव्स की बात करता हूँ यहाँ पे, सो सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट है यहाँ का वो है फूड क्वालिटी। फूड क्वालिटी इज़ हॉरिबल, द वर्ड इज़ हॉरिबल। कुछ डिशेज हैं जैसे इडली, सांभर, यहाँ खाने के बाद तो मेरे को उनसे विश्वास ही उड़ गया कि इतने गंदे भी, इससे ज़्यादा गंदे भी कुछ हो सकते हैं। देन यहाँ पे जो हम ब्रेकफास्ट में कर रहे थे टिपिकली फ्रूट्स खा पाए हैं, चाय भी नहीं है यहाँ पे, आपको रेडीमेड टी नहीं मिलेगी, आप यू कैन मेक योर ओन टी, इंग्लिश ब्रेकफास्ट टाइप वैसे बना सकते हैं, बट येस चाय पीने के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसके बियॉन्ड होटल स्टाफ बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है, दे आर श्रूड। एक एग्जाम्पल, लाइक हमारे को रूम कैटेगरी चेंज होनी थी थर्ड डे, सो दे आस्क मी टू चेंज द रूम एंड वी रिक्वेस्टेड फॉर एन एक्सटेंशन विच दे एक्नॉलेज दैट ठीक है आप 1-1.5 घंटे के बीच में कर लेना, बट आफ्टर 30 मिनट्स दे कॉल्ड एंड सेड आपको 10 मिनट में ही करना है, अदरवाइज वील यू नो चार्ज यू एक्स्ट्रा, एंड दे वर नॉट लिसनिंग इट टू द यू नो अर्लियर कॉन्वर्सेशन। तो वो कोई है ही नहीं वहाँ पर, सुनवाई नहीं आपकी, आप कितना भी फाइट कर लें
एंड अगेन एट द एंड ऑफ द डे आपको उनकी बातें माननी पड़ेंगी बिकॉज यू नो यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री एंड यू रियली नीड टू अवॉइड व्हाट दे आर सेइंग. बट येस इफ यू रियली आस्क मी आई रियली हैड अ बैड एक्सपीरियंस एंड आई वॉन्ट रिकमेंड दिस प्लेस बिकॉज होटल का स्टाफ शूट था वो तो एक रीज़न ही है. खाना भी नहीं यहाँ पे बिकॉज खाना बहुत बेकार है. तो सेम बजट में आई एम श्योर आपको बेटर होटल्स मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है बैंकॉक इज़ अ वेरी चीप सिटी. आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको होटल मिल जाएंगे वहाँ. एंड प्लान अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड अगर 500,000 कहीं एक्स्ट्रा दे के कहीं कुछ और होटल भी मिल रहा है आप वो सिलेक्ट करिए. रमाडा DMA प्लीज़ मत सेलेक्ट करिए. दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैव इन माई यू नो प्रीवियस लास्ट कपल ऑफ ईयर्स ऑल्सो. सो बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो आई अर्लियर मेंशन अर्ली चेक इन की जो इनकी पॉलिसी है दे चार्ज 1,000 एक्स्ट्रा अगर आप 6 o'clock मॉर्निंग में 6 o'clock until 12 PM तक अगर आप अर्ली चेक इन लेते हैं तो 1,000 बहुत एक्स्ट्रा पे करने हैं. वी ऑल्सो पे अगर आप 6 AM से पहले अगर आप चेक इन करेंगे तो आपको फुल नाइट का चार्ज देना पड़ेगा. नेगोशिएशन थोड़ा बहुत चलता है लाइक हमें 6 AM की जगह 5:30 पे रूम मिल गया था. बट येस डिसीजन इज योर्स कि आपको लेना है या नहीं लेना. बोथ द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. माई पर्सनल रिकमेंडेशन डोंट एवर कम हेयर. एंड दैट्स इट गाइस. इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो डू गिव थम्स अप. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो भी करिए. एंड ये सीरीज़ मेरी बैंकॉक के वीडियोज़ की सीरीज़ है. प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच अदर वीडियोज़ एज वेल. थैंक्स.